असलम दोस्तों एन एम डिकट बिगस में आपको खुशामदीद कहती हूँ अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ ही बेलाइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जो एम सी यूज हमने इन्जाइम्स के डिस्कस किए थे आज उसका मैं पार्ट टू डिस्कस करूँगी लिखा है कि आफ्टर प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी कुछ इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कोलिजन इफ यू फर्दर इंक्रीज द हीट देन अगर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद चांसेस ऑफ कोलिजन जो होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं तो आप फर्दर हीट को इंक्रीज करते हैं फर्दर हीट को इंक्रीज करने की वजह से क्या हो जाता है एटम्स की वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है और मेकअप द एंजाइम मॉलिक्यूल एंजाइम मॉलिक्यूल को बनाया दिया जाता है एम नंबर 46 में कहा जा रहा है इफ वाइब्रेशन ड्यू टू द हीट बिकम वायलेंट दैन ग्लोबल स्ट्रक्चर एजेंशियल फॉर इंजाइम एक्टिविटी इज़ लॉस्ट अगर वाइब्रेशन की वजह से अगर हीट जो हमने प्रोवाइड की है वो 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 वाइब्रेशन जो हीट की वजह से वाइब्रेशन आई है वो ज़्यादा हो जाती है शदीद से शदीद हो जाती है क्या होता है कि ग्लोबली स्ट्रक्चर जो होता है इंजाइम का वो लॉस्ट हो जाता है एमसी क्यूज नंबर फोर्टी सेवन ये कैन ई फैक्टर द केमिस्ट्री दैट द केमिस्ट्री एंड शेप ऑफ एन कैन इफेक्ट इट्स रेट ऑफ कैटालिसिस कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो इंजाइम की शेप को या की केमिस्ट्री या इसकी फंक्शन को डिस्टर्ब करता है वो इसकी कैटालिसिस के रेट को भी इफेक्ट कर देता है एमसी क्यूज नंबर फोर्टी एट में कहा जा रहा है कि फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ एवरी इंजाइम इज कंसिक्वेंस ऑफ इट्स स्पेसिफिक केमिस्ट्री एंड कॉन्फिगुरेशन एमसी क्यूज नंबर फोर्टी नाइन में कहा जा रहा है कि नॉन कंपेटेटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम को अल्टर कर देते हैं चेंज कर देते हैं कैसे इस तरह चेंज कर देते हैं ताकि सब्सट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइड के साथ बाइंड ना हो सके और कैटेलाइसिस हमारे पास फेल हो जाए एमसीक्यू नंबर फिफ्टी में कहा जा रहा है कि इन इनहिबिटर

तो हम कंप्लीटली या पार्शली जो होता है वो रिवर्सबल इन्हीबेटर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एम सी नंबर 54 में कहा जा रहा है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑकुपाइंग द एक्टिव साइट आर डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो होता है वो रिएक्शन रेट को कैसे चेक करते हैं या तो वो एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर देते हैं या तो वो इन्जायर के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं आपके पास पेनक्रियाटिक लाइपेज की ऑप्टिमम पी बताई जा रही है 55 एमसीक्यूज में कि 9.00 है एमसीक्यूज नंबर 46 में कहा जा रहा है कि इन रिवर्सिबल इीवेटर ऑकोपाई द एक्टिव साइड बाय फॉर्मिंग का कोवलेंट बोड आर फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइड इन रिवर्सिबल इनिवेटर जो होते हैं या तो वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ जो होते हैं वो एक्टिव साइड के साथ ऑकुपाई करते हैं या तो वो फिजिकली ही एक्टिव साइड को ब्लॉक कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर फिफ्टी में कहा जा रहा है कि मोस्ट इन जाइम्स डो नॉट फ्लोटिंग साइटोप्लाजमिक सोप बट दे आर अटैच टू दिन सिस्टम इन साइड द ऑर्डरली एंडलीरज

जिन वो मसाला है कि अगर वो अपने एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में रिलीज हो जाती है तो वो आपके डिस्ट्रॉय कर सकती है सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को इसलिए पेप्सिनोजिन जब पैपसिनो जिन पैपसिन में तब ही कन्वर्ट होता है जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पहुंचता है क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमें पेप्सिन की जरूरत होती है उससे पहले जब वो गैस्ट्रिक ग्लेंड्स से रिलीज होता है वहां पे वो एक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रॉय कर सकता है सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को सिक्सटी वन में भी यही चीज़ डिस्कस की गई है एम सी सीज नंबर सिक्सटी टू में कहा जा रहा है कि और इंस्पायरेशन वो प्रोसेस है जिसमें इन्जाइम्स जो होते हैं वो एक सीरीज में भी काम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी हैंडल पेज नंबर थर्टी वाइन पी टी बी लिखा है कि पंजाब टेक्स्ट बुक पर आप देख सकते हैं इवन आपको अगर फेडरल बोर्ड की बुक में फीडबैक इनहिबिशन की एग्जाम्पल भी याद हो तो वहां पर आपने देखा था कि इन्जाइम्स थ्री ओ को सॉरी एसपर्ट को थ्री में कन्वर्ट करने के लिए फाइव इन्जाइम्स ने सीरीज में काम किया था तो फोटोसाइनलिस और इंस्पायरेशन के मोस्टली रिएक्शन में भी इंजाइम्स होते हैं वो सीरीज़ में काम करते हैं वन आफ्टर द अनदर ताकि सब्सट्रेट को अच्छे से हैंडल किया जा सके आप पंजाब की बुक से भी इसको देख सकते हैं पेज नंबर थर्टी नाइन पे और फेडरल की बुक में फीडबैक इनहिबिशन के एग्जाम्पल्स में आप इसे देख सकते हैं कि इन्ज़ाइम्स ने कैसे सीरीज़ में काम किया वन आफ्टर द अनदर इसके बाद हम फेडरल की बुक से कुछ साइंस बिट्स और साइड बॉक्स को डिस्कस करेंगे देखा कि ड्यूरिंग द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी टू फ्रेंच केमिस्ट पाइन एंड परसोज ग्राउंडेड ऑफ द बार्ले सीड्स एंड वाटर टू मेक द क्रोड मिक्सचर दैट वुड डाइजेस्ट द स्टार्च द गेव द नेम डायस्टेज वेदर इट वॉज दैट द स्टार्च कहने का मतलब ये कि अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में दो हमारे पास केमिस्ट हैं पाइन एंड परसोस उन्होंने क्या किया कि बार्ले सीड्स को ग्राइंड किया ताकि इस मिक्सचर के जरिए से वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकें इसलिए इसको इस मिक्सचर को उसने नाम दिया डायस्ट का दैट क्योंकि इसने स्टार्च को डाइजेस्ट किया था आपके पास जो साइंस ट्रेट्यूट्स हैं एफ एस लेवल पर फेडरल बोर्ड के लिहाज से जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है फेडरल बोर्ड जब वो uh, साइड बॉक्सेज से, uh, तो से पेपर नहीं बनाता है लेकिन एन एम कैट लेवल से और अगर किसी और बोर्ड के बच्चे जो हैं वो साइंस स्ट्यूट्स पढ़ते हैं तो वो इसको पढ़ सकते हैं फेडरल बोर्ड के बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फेडरल बोर्ड है वो साइंस ट्रटब्यूट से पेपर या साइड बॉक्सेज से पेपर नहीं बनाता है मैंने लिखा कि इन्जाइम्स कैसे बनते हैं इन्जाइम्स वो प्रोटीन्स हैं जो एक मैसेज की बेस पे बनेंगे जो डीएनए मैसेज सेंड करेगा हमारे पास आरएनए को उस मैसेज में ये बनेंगे इन्जाइम्स आर सेंटिस ब लिविंग सेल्स बट दे रिटेन देयर कैटालिटिक एक्शन इवन व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल इन्जाइम्स को बनाया तो लिविंग सेल्स नहीं है ही है लेकिन इन्जाइम्स तब भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं अगर इनको सेल से बाहर निकाल दिया जाए दे कैन एक्ट इन विट्रो और वीवा आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में दीज डेज इन्जाइम्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दी कंपनीर डी टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी के जरिए से भी आजकल इंजाइम्स को बनाया जा रहा है लेकिन इंजाइम्स को प्रोड्यूस तो लिविंग सेल्स करते हैं लेकिन अगर सेल से बाहर भी निकाल दिया जाए तो इंजाइम काम कर सकता है विट्रो पोजीशन में इंजाइम को डीएनए के मैसेज के बेस पे बनाया जाता है और आजकल हम बायोटेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है यहां से भी एंजाइम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं आर्टिफिशियली यहां पे यह बताया जा रहा है कि किसी भी तरह के इंजाइम्स जो हैं किसी भी तरह के विनोम्स जो हैं वो आपके पास इंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पे कैसे काम कर सकते हैं स्नेक का जो विनोम होता है इज हाईली मोडिफाइड सलाइवा दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल ग्रेन्ड्स और सर्टेन स्पीशीज सांपों की कुछ ही इकसाम जो है वो इस विनोम को प्रोड्यूस करती हैं और स्पेशल ग्लेंस के जरिए से प्रोड्यूस करती हैं स्नेक विनोम जो है वो कॉम्बिनेशन है प्रोटीन्स का और डिफरेंट इन्जाइम्स का और ये इस परपज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि स्नेक ताकि अपने प्रे को मोस्ट परफेक्ट बना सके इफेक्टिव बना सके यानी स्नेक ने जिस सांप ने जिस चीज़ को जिस इंसान को डस लिया है वो अपने प्रे को अपने शिकार को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बना सके इसलिए उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीस और इन्जाइम्स मौजूद होते हैं स्नेक का विनोम यानी जो सांप का वा होता है वो किस चीज को खत्म कर देता है कोली कोलिन स्ट्रीडियस को खत्म कर देता है और कोलिन स्टीडियज की वजह से यह होता है कि आपके मसल्स जो होते हैं वो अपना कंट्रोल करना छोड़ देते हैं यानी स्नेक के विनोम में ऐसा होता है कि आपने जब सांप आपको डस लेता है तो उसके सलाइवा में जो था वो कोलिन स्टीडियज को इनहिबिट करने की पावर मौजूद थी और इसकी वजह से इंसान जो होता है वो अपनी मसल्स के कंट्रोल को खो देता है विनोम इज़ इन इनहीबिटेड फॉर एजेंशियल इंजाम साइटोक्रोज ऑक्सीडेज इन सेल्स अब विनोम यही काम भी करता है कि वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो इन्ज़ाम है आपके पास उसको इनहिबिट करता है और आप पहले भी पढ़ चुके कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज वो इंजाइम है जो सेलोडो इंस्पायरेशन के लिए आपके सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट होता है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ विनोम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे हेमोटॉक्सिक विनोम्स होते हैं वो हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करते हैं न्यूरोटॉक्सिक विनोम्स होते हैं वो नर्वस सिस्टम और ब्रेन पे एक्ट करते हैं यानी जो से, स्नेक से डिफरेंट स्नेक के स्पीशीज़ से ये थ्री तरह के विनोम्स निकल रहे हैं पहला विनोम जो वो हार्ट या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर एक्ट कर रहा है आपके पास दूसरा विनोम आपके नर्वस सिस्टम और आपके ब्रेन पर एक्ट कर रहा है साइटोटॉक्सिक विनोम जो है हैज़ अ लोकलाइज्ड एक्शन एट द साइट ऑफ द बाइट लोकलाइज्ड एक्शन का मतलब होता है कि सांप ने जिस जगह आपको सा है उसी जगह उसका एक्शन होता है तो इसलिए आप कहते हैं कि विनोम ऑक्युपाइज द एक्टिव साइट ऑफ द इन्जाइम और कंबाइनिंग विद आयरन विच बी प्रेजेंट इन प्रोस्थेटिक ग्रुप और मे बी रिक्वायर्ड एज एन इन्जाइम एक्टिवेटर अस ये विनोम क्या करते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि कंपेटेटिव इन्हीबेशन में ऐसा होता था कि सेब्स्ट्रेट की जगह पर जो होता था इन्हीबिटर बाइंड कर देता था यहाँ पर भी यही काम होता है कि आपके इंजाइम की एक्टिव साइट पर बजाय किसी सेब्स्ट्रेट के विनोम बाइंड हो जाता है या ऐसा होता है कि वो किसी आयरन के प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ कंबाइन हो सकता है और इस तरह यह इंजाइम इन्हीबिटर के तौर पे काम कर सकता है यहाँ के आपके पास ऊपर वाले साइड पेज में आपके पास कुछ एंजाइम्स के फर्दर फंक्शंस बताए जा रहे हैं अगर लाइपेज एंजाइम जो होता है वो आपके पैनक्रियास को डैमेज कर देता है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है वो आपके हार्ट अटैक एनीमिया लंग इंजरी और लिवर डिजीजेस का काज होता है आपके पास गामा ग्लूटामाइल ट्रांस पेप्टीडाइज इंजाइम जो होता है वो लीवर के फंक्शन को एसेस करता है यानी मदद करने में काम करता है क्रिएटनाइन फोसवो का इनज जो होता है वो आपके मसल साइ को डैमेज कर देता है ये सब इंजाइम्स इनके कुछ हार्मफुल फंक्शन बताए जा रहे हैं आपके पास एल्डोलेज जो होता है वो मस्कुलर डायस्ट्रोफी में ये इन्वॉल्व है वायरल हैपेटाइटिस हैपेटाइटिस को काज करने में इन्वॉल्व होता है एंड एडवास कैंसर ऑफ प्रोस्ट्रेट आपके कैंसर में भी समटाइम्स जो है ये इन्जाइम जो होता है इन्वॉल्व होता है इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी और अपने इस चैप्टर का भी अख्ताम यहीं पे करती हूँ आपको ये उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है इज़ाइम का चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़